वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों हमारी लाइफ में ना कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं आपको बताऊं तो कैसे बताऊं, बट आप समझ सकते हैं। जो ये प्यार नाम की बीमारी है ना तो बहुत घातक होती है यार। एक अच्छे खासे इंसान को कैसे क्या कर देती है। जब हम बड़े होते हैं ना, बड़े 9 साल के बाद, 10 साल के बाद, अब जब हम बड़े होते हैं, जब हम सीखते हैं दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है, लोगों से कैसे बातें करनी है, कैसे लोगों के क्वेश्चन का आंसर देना है, तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं, पता है क्या, कि ये दुनिया वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी मैंने सोची थी। मैंने तो उस लड़की से बहुत प्यार किया था, उसके साथ मैंने अरमान बनाए थे और सपने सजोए थे कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करूँगा। लेकिन पता है हुआ क्या, आज मैं कहीं और हूँ और वो कहीं और है। तो मैंने भी खामोखा खुद को परेशान करने से अच्छा एक फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि ना करेंगे तुझे याद, ना करेंगे तुझे याद, ना रहेगी दिल में तेरी फरियाद, भुला देंगे वो बात, भुला देंगे वो बात, जब अपनी मोहब्बत भरी बातों से तू तोड़ती थी मेरे दिल के जज्बात, मेरे दिल के जज्बात। जी हाँ दोस्तों, प्यार मोहब्बत इश्क ये उस कीड़े का नाम है कि जहाँ लग जाए तो वहाँ बर्बादी का आलम शुरू हो जाता है। तरक्की मिली तो यही सोचा था, तरक्की मिली तो यही सोचा था कि उसके साथ नई दुनिया बसाऊंगा, तरक्की मिली तो यही सोचा था कि उसके साथ नई दुनिया बसाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने के बाद विथ एंट्री कि उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने के बाद मैं कहीं का ना रह जाऊंगा, मैं कहीं का ना रह जाऊंगा। तोड़ा उसने मेरे भरोसे को जिस कदर, तोड़ा उसने मेरे भरोसे को जिस कदर, फिर भी मैं उसका साथ निभाऊंगा क्योंकि मैं हूँ भारतीय नागरिक, प्यार किया है तो जड़ तक निभाऊंगा, तो जड़ तक निभाऊंगा।